खर्च कर दिया जाता है, तो गरीब जो है क्या करता है बेचारा, खामोश। उन्हें आख्या डाढ़े के दौर कादा जो आके सो करना, डिगर नू जे ढहना हो तो कानू कोल कोल मरना। ये हमारी बात इस तरह है, सही बात कह रहा हूँ, अल्लाह का एहसान है। मैं तो ये फ़ख्र से बात कर रहा हूँ कि जितना हुक्मरानों के सामने रोना है, खुदा की कसम इतना अल्लाह के रसूल के सामने रोवो। कैसे हैं? ठीक ठाक जाफर भाई, मौजूदा मुल्की हालात के बारे में, महंगाई के बारे में, आप एक दुकानदार हैं, आप जानते हैं कि दिन ब दिन कैसे महंगाई बढ़ रही है। ये तूफ़ान जो आया हुआ है, ये थमेगा भी कि नहीं? इसका मुश्किल है कि थम जाए, ये और बढ़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि जो रेट हमें मिलते हैं उतने गाहक नहीं देते, तो इस वजह से बड़ा मसला हो रहा है। और रात को एक और बम गिरा है, आपने देखा होगा, तो इस वजह से मसला बड़ा हो रहा है महंगाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हवातिन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट साकिब अली, और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम पाकिस्तान में बढ़ने वाली महंगाई के बारे में आपको बताएंगे और यह आला हुकाम तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आउट ऑफ कंट्री से आया हूं, मैंने एक चीज़ बाय करने लगा हूं तो उसका इतना रेट कि मैं छोटी सी चीज़ थी कि इतना रेट देख कर मैं हैरान हो चुका। दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, इसके बारे में मैं बात करूंगा, आपसे मैं शेयर करूंगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यार गरीब बंदा ले ही नहीं सकता, ज़रूरत की चीज़ें। आपको मैं छोटा सा, ये बाज़ार मेरे पीछे है, इसको लंडा भी कहते हैं पाकिस्तान की आम जबान में, ठीक है। जो पहले इतना सस्ता होता था कि गरीब की पहुँच में हुआ करता था, आज देखें, इस वक्त देखें कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क किया है, ठीक है, ये सारे लोग जानते हैं। अभी मैं आपको गरीब का छोटा सा बाज़ार बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको वो छोटी छोटी चीज़ें जो गरीब की पहली पहुंच में हुआ करती थी, जो आज गरीब की पहुंच से बाहर आए। मैं देख के हैरान हो चुका हूँ यार, मैं परेशान हो चुका हूँ यार, गरीब जाए तो जाए कहाँ। आइए विज़िट करवाता हूँ मैं आपको इस छोटे से लंडे का, बाज़ार है छोटा सा, ये स्टॉल लगे हुए हैं, ठीक है, तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे? ठीक ठाक है, फुल बैग है। ये कितने का होगा? 1200 का। जो जो सही रेट है, आप पर टेंशन नहीं है, आपने ख़रीदा है, ठीक है, आप ही ख़रीद के लाए हो, आपने भी इसमें प्रॉफिट लेना है, जायज़ मुनासिब आपने प्रॉफिट लेना है बात सही है ना? तो आपने जो रेट आप कहना वो आपने बताना है, मुश्किल नहीं है इसमें। हम सिर्फ ये आला हुकाम तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि यार मैं सिर्फ उन लोगों तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं जो इस मुल्क के हैर हुआ नहीं हैं और बने बैठे हैं, ठीक है, उन लोगों तक मेरे ये चीज़ें शेयर करने का ये मकसद है कि गरीब लोग के यही छोटे छोटे स्टॉल हैं जहाँ से गरीब की पहुँच है भाई, दिहाड़ीदार की पहुँच है, जहाँ से ये अपने बच्चों की ज़रूरियात, अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी करते हैं। मैं अभी ये देखे बैग है आपसे, आपका महंगा वाला कौन सा है आपका, इससे अच्छे को अच्छा वाला? हर माँ बाप का दिल करता है कि वो अच्छे से अच्छा चीज़ अपने बच्चे के लिए लेके जाने के लिए, ठीक है। ये कितने का? 2000। नाजरीन ये देखिए, ये मटेरियल आप, मैं ही जान सकता हूँ इस मटेरियल के बारे के मेरे हाथ में क्या चीज़ है, ठीक है। ये कम से कम बच्चा तकरीबन साल के अंदर अंदर ये ख़राब हो जाता है, दो तीन महीने के अंदर। भाई ने मुझे क्लियरिटी दे दी है, क्लियर कर दिया भाई, ये दो तीन महीने के अंदर ख़राब हो जाने वाला है, ठीक है। इस भाई का कोई कसूर, इसको उधर से मिलेगा 1800 का, 1500 का, इसने भी 200-300 लेना है, ठीक है। ये दुकानदार की भी कोई, कई ऐसे होते हैं जैसे मुल्क में ज़हीरा अंदोज़ हैं, पेट्रोल पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, पोर्टों पे पड़ा हुआ है इतना ज़्यादा, ये लोग ज़हीरा करते हैं। इन जैसे लोग
की वजह से पाकिस्तान तरक्की, और इन जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान में हुक्मरान ऐसे हैं, हमारे जैसे लोगों की वजह से, बेईमानियों की वजह से। ये देखिए 2000 का ये है तकरीबन बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा, और तकरीबन आई थिंक सो 5वीं 6वीं क्लास का है। तो तकरीबन 2-3 माह में ये ख़राब हो जाने वाला है। गरीब बंदा, मज़दूर, दिहाड़ीदार बंदा ये लेकर बच्चे को देगा और 5वें महीने में बच्चा कहेगा मुझे नया ले के दो। आइए अगले स्टॉल पर चलते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी मेरे पास, मेरे साथ ही, मेरे जो मेरे ख्यालात के मुताबिक बंदा जो है ना, ऐसे आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, ठीक है, जो इस निज़ाम से बड़े तंग हैं। मेरा मकसद आज कोई और वीडियो शूट करना था, बाकी इस बाज़ार में मैं आया हूँ, अपनी छोटी सी चीज़ खरीदनी थी, ज़रूरत की चीज़ थी वो खरीदनी थी, ठीक है। मेरा मकसद वो था कि मैं अगले सिटी में जाके अपनी शूट करूँ। बहरहाल ये चीज़ मुझे मजबूर कर रही है कि मैं इसको पॉइंट आउट करूँ, ठीक है। मेरे साथ मेरे भाई हैं, मैं उनसे बात करूँगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे ये आपके चैनल के तवसल से कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है, पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। आइए इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनो। क्या नाम है? मेरा नाम है अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, आप इस बाज़ार में काम करते हैं? जी जी, 4 साल हो गए मैं यहाँ काम करता हूँ। अच्छा यार, ये जो निज़ाम चल रहा है, ये 2-3 साल में जो पाकिस्तान के हालात ऐसे चेंज हुए हैं, गरीब बंदे के लिए कितनी मुश्किलात हैं, और ये जो सियासतदान है, ये अपनी लड़ाई में इनका क्या मकसद, मकसद तो सारे जानते हैं, ठीक है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो मौजूदा हालात हैं इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यार मेरा तो सबसे ज़्यादा जो गिला है ना पाकिस्तान की आवाम से, और उसका रीज़न ये है कि ये जो हमारे सियासतदान है और जो हमारे वडेरे लोग हैं, ये जब पार्लियामेंट हाउस पहुंच जाए ना तो हम गरीबों का फिक्र नहीं होते, फिर अपना तनख्वाह और अपना चोरी बचाते, ठीक है, लेकिन जब उठ के टाइम आ जाते हैं तो फिर ये लोग सड़कों पे निकलते और बोलते हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बेवकूफ़ ऐसे लोग मुंतखब कर लेते, फिर वहाँ जाके हमारे हक़ के लिए नहीं बोलते, फिर सिर्फ अपनी चोरी के लिए बोलते। तो मैं पाकिस्तान के आवाम से ये कहता हूँ कि अभी तकरीबन 2-3 महीने के बाद इलेक्शन आ रहे, ये जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है और वहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये हमारे गली और मोहल्लों में फिर भी आएगा। इनसे हमने यही सिर्फ पूछना है कि आपने 4 सालों में वहाँ हमारे लिए क्या किया। हमारे तकरीबन 4 साल हो गए इस मॉडल बाज़ार में मैं काम करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी चीज़ का ऐसा रेट नहीं सुना कि यार पाकिस्तान में ये चीज़ सस्ता हो गई। यार तो आज से तकरीबन साल पहले हम 1400 रुपये पहले दर्जा कट लेके आता था, इस साल 1850 रुपये रेट था। उस वक्त हमको 300-400 प्रॉफिट मिलता था, अभी हम 2000 पे इस तरह बेच रहे जिस तरह बंदा मच्छ को सेल कर रहे। तो मैं नहीं बता सकता कि हमारे मुल्क का क्या होगा। अभी देखो, आप लेदर जैकेट बेच रहे हो, वो उस लेदर जैकेट की भी क्वालिटी वाइज रेट है, गरीब बंदा लेदर जैकेट उसकी पहुँच से है ही दूर, ठीक है। जो अच्छा लेदर है उसका क्या प्राइस चल रहा है? यार अच्छा लेदर तो यार मैं नहीं कह सकता हूँ कि पूरी गुजरात में 2-3 बंदे ले लेगा जो सियालकोट का बना होते हैं, 13-14 हज़ार रुपये का लेदर है। यार हम मैं नहीं ले सकता हूँ ना, तो मुश्किल है, सिर्फ लोग नाम के लिए लेते हैं। बाकी नया लेदर को तो गोली मार दो, ये जो लंडा आया हुआ जो 4000 रुपये का गाट मिलता था उसका भी 22000 रुपये कीमत है। आप मेरे दुकान पर नया माल लगाए उसका रेट पूछ लो, फिर लंडे में जा के पूछ लो, लंडे वाले माल नए से तकरीबन 200-300 रुपये महंगे है। ठीक हो गया, क्योंकि हर तरफ से गरीबी मर रहा है, अमीर बंदे के बारे में ना महंगाई थी, वो दिन ब दिन अमीर हो रहा है। जो सियासतदान है सिर्फ वही अपना सोच रहे हैं, पार्लियामेंट में सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, क्यों ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी है। देखो हमारे मुल्क से, कल मैं एक चैनल सुन रहा था, हमारे मुल्क से तकरीबन अफगानिस्तान डॉलर यूरो की शक्ल और डॉलर की शक्ल में स्मगल हो रहा है, ठीक है। मैं और आप स्मगल नहीं कर रहे, हमारा ये बिहार वाला पकड़े, टैक्स वाला पकड़े, इनसे पूछे कि हमारा पैसा कहाँ जा। हमारे मुल्क में 95% जो आबादी है ना, 85% सॉरी, ये गुर्बत की लकीर की नीचे है। उस मुल्क के क्या हालात होंगे, क्या हालात बदलेंगे, जिसमें गरीब तबके से लेकर अमीर तबके तक सारी करप्शन है। रेट पूछते हैं ये उनके पास कुछ पिलो वगैरह हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला कैसा है? अल्लाह का शुक्र है। लाला जी, क्या आपकी शॉप पे क्या क्या चीज़ें हैं? मेरे पास तरपाल है, कंबल है, रजाई है, बेडशीट है, सब कुछ है। अच्छा, आप इसका क्या रेट है?
इसका मना 250-300। इसका रेट 250-300 है जी। आज से दो साल पहले इसका क्या रेट होगा? इसके 100-150 था मेरे ख्याल में। 100-150 था साल पहले? साल पहले 100-150 था। ये चेंज हुई है हुकूमत ये बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं, ये हफ्ते के बाद किराई मेरे ख्याल में 200-300 से ऊपर ऊपर जाती है हफ्ते का, तो एक महीने का इंजन ज़्यादा बढ़ जाती है। सामान पहले ही हम 100 का भी मिल जाता था, 50 का भी मिल जाता था, अभी 350-400 से कट देना नहीं है इसको। आप देख रहे हैं नाजरीन, ये आपके ये कोई बड़ा पिलो नहीं है, आज से साल पहले कसम से इसका रेट 100 से भी कम होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ साल डेढ़ साल पहले इसका रेट 100 तक होगा, चलो क्या मान लेते हैं 100-150 तक होगा। ठीक है, ये इतना महंगा तो नहीं है आज के दौर में, अभी साल इतना इसके स्टाफ के बारे में मुझे पकड़ से पता चल रहा है कितना इसका, इससे पिलो बड़ा कितना का होगा बेनो भाई? बड़ा इससे बड़ा है वो 500-600। प्योर पेडिस्टल है इसमें? प्योर होगा मेरे ख्याल में। वो क्या कहते हैं वो कपड़ा वगैरह काट? कपड़ा नहीं, वो नहीं है, इसका ओरिजिनल प्रोसेसर है अंदर। सही होगा सही होगा। चलें, वो बेड शीट वगैरह क्या कितने का है? वो मना 500-600, पहले 200 का देता था, 250 का, अभी 1800 का भी है, 800 का भी है, हर कसम का है। ये सारा माल जो है ये यूज़ में है? यूज़ में है, सारा यूज़ में है। नाजरीन है तो ये लंडा, ठीक है, गरीबों का कह लो का बाजार है। ठीक है, हम जैसे लोगों का जो जहाँ से आके चीज़ें खरीद, कितने का ये? 700 रुपये का भैया। ये 700 रुपये का है, ठीक है जी। ये जैकेट तो अच्छा है, बाकी माशाल्लाह रेट भी अच्छा है। गरीब बंदा नाजरीन इधर आता था कि जो दिहाड़ी लगाने वाला, तकरीबन मज़दूर की दिहाड़ी आज से तकरीबन 2-3 साल पहले तकरीबन 700-800 हुआ करती थी। ठीक है, 700-800 हुआ करती थी, 1000 हो चुकी है। ठीक है, गरीब बंदे ने दिन में 1000 की दिहाड़ी लगा के घर जाना है, 500 से कम सब्ज़ी मिलती नहीं आज, 500-200-300 ये तो नॉर्मल बात है। सब्ज़ी दाल पकाएगा 1500-1800-1200 रुपये अगर सर्दी सही है, सर्दी में आज हम इतना रेट करते। इतना रेट कहाँ से? अच्छे पीस होते हैं ना। अच्छा, अच्छे रेट, अच्छे पीस का क्या रेट? पीस ये अच्छे पीस होते हैं ना, उसका हम 1500-1600-1800 रुपये रेट करते हैं बच्चों का। इसमें बड़ों का जो होते हैं ना वो 1800 से लेकर वो 2500 तक है, 3500-4000 का भी हो सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ वराइटी आते हैं। नाजरीन बताने का ये मकसद है, बताने का मैं आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, मेरा भाई ये माशाल्लाह तकरीबन 5 से 6-10 बच्चे भी हैं गरीब बंदे के। ठीक है, तो कहने का ये मकसद है, बाकी दिन ब दिन गरीब के लिए तंगी है ये आला हुकाम तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान कीजिए गरीब तबके का भी। ठीक है, अपना मत सोचिए। ठीक है, ये कितना अर्सा हो गया आपको ये चला रहे हो आप? ये तो हमारा इधर बड़ा अर्सा हो गया, पहले तो हम इधर हमारा बाप था उसने चला रहा था दुकान है ना, अब वो बुज़ुर्ग हो गया अभी हमारा आगे ना, अब हम चला रहे दुकान है ना, तो ये और महंगा हो गया, पीछे से लंदन नहीं आते कराची। हाँ वो तो अभी इस साल में 3 दफ़ा मेरे हाथ 2 दफ़ा किराया बढ़ा दिया उन्होंने। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हैर करे और इन गंदे कीड़ों से अल्लाह पाक निजात दे हमें, और हमें खुद को बेहतर करने की भी ज़रूरत है, हमारे अंदर भी बेईमानी है। बिल्कुल, क्या कहते हो आप? यही बात है बस, और हमारा माल सही नहीं, इसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है ना, जब हमारा माल सही होता तो ये नहीं होता हमारा साथ फिर। बस हमें खुद को भी चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हैर करे, चलते हैं अगले स्टॉल पे। कैसे हैं? ठीक ठाक जाफर भाई, मौजूदा मुल्की हालात के बारे में, महंगाई के बारे में, आप एक दुकानदार हैं, आप जानते हैं कि दिन ब दिन कैसे महंगाई बढ़ रही है, ये तूफ़ान जो आया हुआ है ये थमेगा भी कि नहीं? इसका मुश्किल है कि थम जाए, ये और बढ़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि जो रेट हमें मिलते हैं उतने गाहक नहीं देते, तो इस वजह से बड़ा मसला हो रहा है। और रात को एक और बम गिरा है आपने देखा होगा, तो इस वजह से मसला बड़ा हो रहा है महंगाई। अच्छा, इसमें क्या समझते हैं, गरीब तो मर रहा है, अमीर बंदा भी कोई आपके साथ जो गरीब है हम जैसे और आप जैसे उनके लिए मसला है। अच्छा, आज से साल 2 साल पहले और आज के वक्त में आप क्या फ़र्क देखते हैं? फ़र्क तो बहुत है आपके सामने, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है।
पेट्रोल 150 था, 260 पे गया, 70 पे गया, तो बड़ा मसला था। और अभी महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, गाहक आते ही नहीं है, मार्केट बिल्कुल खाली है, आपके सामने बिल्कुल ही नहीं आता, तो इस वजह से मसला है, परेशानी बहुत। ये मैं भी इसी बात पे था कि मैं पिछली दफ़ा 130 का पेट्रोल साल पहले छोड़ कर गया था, अभी आया हूँ तकरीबन 250, और तेल तो मिलता ही नहीं। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है, तेल तो मिल ही नहीं रहा था, लीटर से ऊपर भाई ये डाल कर दे ही नहीं रहे थे। ये जो जहीरा अंदोज, ये जो माफिया है ना, इसके खिलाफ अल्लाह पाक ही है या ऐसी कोई अदालतें, ऐसा कोई निज़ाम नहीं है इधर कि इनको गिरफ्त में लाएं, ऐसा कोई अदारा है ही नहीं, सारे अदारे इन चोर चकों के मताहत हैं, चलाते वही हैं। क्या आप कहते हैं आप? हम सबको मिलकर निकलना चाहिए अलग अलग शहर से, और सब एक जैसे हो जाए, सब एक हो जाए, तो तभी मुकनी है, इस तरह नहीं ख़त्म होना, हम सब मिलकर काम करना। बिल्कुल, लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई ये ख़त्म हो ही नहीं सकता, हम क्या बोले, हम बोल बोल के थक चुके हैं। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, बात नहीं करोगे किसी भी ज़रिए से, आपको चाहिए कि नेकी और बुराई के ख़िलाफ़ बात करना। जब तक ये आवाम पूरी एक साथ नहीं हो जाती, तो इस पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, क्योंकि जैसे तुर्की में निकले थे हालात बेहतर हो गए, श्रीलंका में भी हुए थे, आपने देखा था पिछले साल, तो जब तक ये आवाम साथ नहीं मिली गई एक साथ, तो कुछ नहीं हो सकता, ये इस तरह महंगाई करते रहेंगे। चलें जी, थैंक यू आपके तासरात का, आपके इंटरव्यू का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अपना कोई लास्ट पैगाम अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने मौजूदा हालात के बारे में, जो आपने पाकिस्तान को पैगाम देना, अपने हुक्मरानों को पैगाम देना, जो कहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के तवसल से आप कह सकते हैं। सबसे बेहतरीन पैगाम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने जो फरमाया है, जो हुक्म किया है, वो माने। जब इस तरफ आएंगे, हकीकत में आएंगे, अमल करेंगे, तो अच्छा होगा। इसमें इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने कोई ऐसा हमें अमल नहीं बताया कि जो गलत हो। ज़ाहिर है जब वफा करेंगे, बात मानेंगे, तो बात बन जाएगी। अगर वफा नहीं करेंगे, पेट भर कर घर चले जाएंगे, अरबों खरबों रुपये इकट्ठे करके अपने लिए, लक्षणों के लिए, दूसरों के लिए, पुजारों के लिए, सब के लिए, ऐसे जाते जाते माल जो है ना वो ज़ाया की तरफ खर्च कर दिया जाता है, तो गरीब जो है क्या करता है बेचारा, खामोश। उन्हें आख्या डाढ़े के जोर का दा जो आके सो करना, डिगर नू जे टहना होवे तो कानू कोल कोल मरना। ये हमारी बात इस तरह है, सही बात कह रहा हूँ, अल्लाह का एहसान है, मैं तो ये फ़ख्र से बात कर रहा हूँ कि जितना हुक्मरानों के सामने रोना है, खुदा की कसम इतना अल्लाह के रसूल के सामने रोवो। और जो सुनता है, जानता है, हमारे अबों को जानता है, हमारे अंदर की बात को जानता है, बाहर की बात को जानता है, जिसने सब कुछ पैदा किया है और बनाया है, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल नहीं, पता नहीं है अपना जी, आपको पता नहीं है अपना, मुझे अपना पता नहीं है, मेरी ज़िंदगी कितनी है। और देख लो कि जो बंदा आ रहा है, चलो जी इलेक्शन करा लो, क्या इलेक्शन कोई मुहत भरी तो हो जाते ने, इतनी पुजारो, इतनी आवाम, इतना खर्च, वो कहाँ से किधर से जाएगा? जब इतना माल इकट्ठा हो जाता है, खर्च हो जाता है, फिर क्या कहते हैं, बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो। एक एक माह तक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, डेढ़ माह हो चुका है, हम घर रोटी जो है ना होटल में लेकर जाते हैं, गैस बंद है, क्या करें? अगर वो दूसरी तरफ वो सिलेंडर हैं, उन्होंने 320 से भी अब रेट बढ़ा दिया, क्या करें, किधर जाएं? अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिसने, उसके प्यारे रसूल ने सूखी रोटी भी खाकर अल्हम्दुलिल्लाह किया। हमारा यही अकीदा है, हमारी हकीकत यही है कि हम अल्लाह और रसूल, उसके रसूल का शुक्र अदा करें और उसको याद करें, और हमारी भूख मिट जाती है जब हम उसे सच्ची दिल से याद करते हैं। चलें जी, चलें। आज तक ये दुआ तो है, हम कर रहे हैं, हर मस्जिद में ये दुआ करते हैं, या अल्लाह कोई अच्छा हुक्मरान ला जो कि गरीबों के लिए भी सोचे,
और अपने लिए भी सोचे। चलें जी, अल्लाह ताला आपके पैगाम को हमारे हुक्मरानों के दिलों तक और उनके कानों तक पहुंचाए कि अल्लाह पाक ऐसे हुक्मरान हमारे मुताबिक लेके आए जो गरीबों का सोचे, और हमें खुद को भी तब्दील करने की ज़रूरत है। हमारा अंदर भी तब्दील होगा इंशाल्लाह, अल्लाह और रसूल के अहकाम पर चलेंगे। जब हम खुद को चेंज करेंगे तो खुद बहुत ही हमारे हुक्मरान भी अल्लाह पाक चेंज करेगा, हमारे मुताबिक लेके आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उन कौमों की हालत बेहतर नहीं करता जो लोग अपनी हालत बेहतर नहीं करना चाहते। ठीक है जी, दुआओं में याद कर रखिएगा। आपका साकिब अली, अस्सलाम वालेकुम जी।